गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास स्टूडेंट, आप सभी का साइनेट्रॉन्स पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत अभिनंदन है। मैं प्रियंका जैन, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लासेज में कौन सा चैप्टर रीड किया था? वो वाला कौन सा, आम की फ्ले वाला किया था ना, आम वाला चैप्टर था ना। कौन सा था आम वाला चैप्टर? सुबह और रूपक, जिसमें आम की पुटली वाला चैप्टर था ना, एट वाला चैप्टर, आम की पुटली वाला। ठीक है, इसमें क्या है, सुबह और रूपक थे, वो क्या है कि उसके पिताजी एक दिन क्या है आम लेकर आए थे। उन्होंने फिर क्या है, उसकी जो आम से क्या है गुटलियाँ निकलती है, गुटलियाँ निकलने के बाद में क्या है, उसकी मम्मी ने कहा सुबह से कहा कि इसको फेंको। तब जब सुबह फेंकने जा रही थी तो रूपक ने क्या है उसमें से एक गुटली उठा दी, गड्ढा खोद कर उसमें बो दी। फिर उसमें से धीरे धीरे अंकुर फूटा, अंकुर से पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, फिर उसे खाद दिया गया। उससे जब रूपक का 12वां जन्मदिन आया तो उस दिन क्या है उसमें पेड़ में फूल लग गए। ठीक है, इसी तरह क्या है उसने आम की गुटली को क्या है बोकर उसका पेड़ बना दिया था, उसको अच्छे तरह से खाद वाद देकर उसका पेड़ बन गया था। ठीक है, फिर आज हम उनके शब्दार्थ एंड पिशन संस्पर करेंगे। देखें यहाँ पे गुटली का अर्थ है नहीं फल का कड़ा और बड़े आकार वाला बीज। ठीक है, आपने देखी होगी आम के अंदर गुटली निकलती है ना, आप लोग खाते भी होंगे आम, तो आपने देखी होगी उसके अंदर गुटली निकलती है। तो गुटली का अर्थ है फल का कड़ा और बड़े आकार का बीज, आकार वाला बीज। अंकुर, बीज से निकला अंकुआ, अंकुर यानी बीज से जो है छोटा सा से निकलता है अंकुआ, उसको बोलते हैं अंकुर। कुचलना, पैरों से दबा देना, कुचलना यानी कोई चीज चींटी को पैरों से कुचलना, यानी किसी चीज को पैरों से कुचलना। ठीक है, दबा देना उस पर पका ताव आ जाना या किसी चीज के दबाव से वो। फिर देखिए उपहार कार्ड बेट। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में गुटलिया का गुटलिया, बगीचा का बगीचा, रूपक का रूपक, जन्मदिन का जन्मदिन, उपहार का उपहार, आंसू का आंसू। फिर देखिए पाठ कार्य, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब फर्स्ट वाला देखिए, एक दिन रूपक और सुबह के पिताजी लाए, क्या लाए थे पिताजी, आम सेब या अनार? आम लाए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम। तो राइट टिक करो आम पर। फिर ख वाला देखिए, गुटलियों को फेंकने जा रही थी, कौन फेंकने जा रही थी, सुबह, सुधा या ये दोनों? सुबह फेंकने जा रही, तो आपका राइट आंसर क्या है सुबह। तो सुबह पर राइट टिक कीजिए आप लोग। फिर जन्मदिन था, किसका था जन्मदिन, सुबह का था, रूपक का था या पिताजी का था, किसका था, रूपक का था। तो राइट आंसर क्या है रूपक का, तो रूपक का पर राइट टिक कीजिए। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको, उनकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो वाला देखिए, सबने क्या खाए, आम, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, आम लिखना है। ख वाला देखिए, दोनों कहाँ गए थे, बगीचे में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बगीचे। फिर देखिए ग वाला, रिक्त स्थान अंकुर से पौधा बना, किससे पौधा बना, धीरे धीरे अंकुर से पौधा बना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है रिक्त स्थान में, धीरे धीरे। सुबह ने आंसू पोछे और क्या करने लगी, वो हंसने लगी, तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या लिखना है, हंसने। फिर देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क वाला देखिए, एक दिन आम कौन लाया था, कौन लाया था आम, पिताजी, कौन लाया था, पिताजी लाए थे। रूपक ने आम की गुटली क्यों उठाई, रूपक ने आम की गुटली क्यों उठाई थी, दूपक ने आम की गुटली बोने के लिए उठाई, किसलिए उठाई थी, बोने के लिए उसको। ठीक है, फिर घर वाला देखिए, सुबह और रूपक ने नन्हे पौधे की सुरक्षा के लिए क्या किया, क्या किया सुरक्षा के लिए, नन्हे पौधे की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर ईंटों का ऊंचा घेरा बनाया। अब घर वाला देखिए, रूपक का कौन सा जन्मदिन आया, कौन सा जन्मदिन था रूपक का, 12वां जन्मदिन था। ठीक है, फिर देखिए भाषा कार्य, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, यहाँ पे आपको वाक्य के पीछे क्या है शब्द दे रखे हैं, आपको सही चुनकर उसमें लिखना है। ठीक है, क वाला देखिए, रिक्त स्थान प्लेट में रख दी, गुटली या गुठलियाँ, गुठलियाँ, गुठलियाँ प्लेट में रख दी। अब देखिए क वाला, पेड़ पर क्या है, पत्ते या पत्ता, पत्ते हैं। फिर देखिए ग वाला, सब जन्मदिन की क्या मना रहे थे, खुशी या खुशियाँ,
खुशियाँ बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है। रूपक कुछ डेस उठा लाया, क्या उठा लाया, ईंटे या ईंट, ईंटे। अब देखो आप यहाँ पे गुठलियाँ ये बहुवचन है, पत्ते बहुवचन है, खुशियाँ बहुवचन है, ईंटे भी बहुवचन है, तो यहाँ पे सारे जो हैं सारे बहुवचन शब्द आए हुए हैं। अब देखें आगे, शब्दों में से द्विध्व व्यंजन अलग कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, द्विध्व व्यंजन इन शब्दों में दे रखे हैं, कौन सा है, मिट्टी में क्या है, टट, ये वाला है ना टट, पत्ता में ता, प्रश्न में न, चम्मच में म, ठीक है। इन दोनों को अलग करके लिखना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है आम की गुठली वाला। आप सबको अपनी कॉपी में एक वर्क कंप्लीट करना है, और जब कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाए ये आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और आपको सबको आना अनिवार्य है अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।